जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और ये है CMF Phone 1। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CMF Phone 1 में गेम मोड और गेम मोड में जो भी आपको फीचर्स सेटिंग्स मिलता है वो सब कुछ। इसके अलावा CMF Phone 1 में इस तरीके से वाइल गेमिंग कैसे आप लाइव FPS मॉनिटरिंग कर सकते हैं गेम मोड फीचर का यूज करके, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गेम मोड के सारे सेटिंग्स को अपने CMF Phone 1 में एक्सेस करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में सबसे नीचे से आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है सिस्टम सेटिंग, एंड यहाँ पे आपको गेम मोड मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको गेम लिस्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फिलहाल BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के लिए जो है ना, यहाँ पे गेम मोड इनेबल्ड है। जैसे ही आप अपने CMF Phone 1 में प्ले स्टोर से कोई भी गेम इंस्टॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली जो है ना, उस गेम के लिए गेम मोड या गेम मोड का जो साइड बार है या गेम मोड का जो भी फीचर्स है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। बट किसी जनरल ऐप में या नॉर्मल ऐप में अगर आप चाहते हैं कि आप गेम मोड का जो भी सेटिंग्स है या फीचर्स है वो यूज करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सी ऑल अदर एप्स पे टैप करना है। उसके बाद आपके फोन जितना भी इंस्टॉल्ड एप्स है सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर को यूज करने के दौरान गेम मोड का फीचर्स यूज करें, तो सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर के आगे जो टॉगल स्विच मिलता है इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद सबसे टॉप पे आप देखेंगे कि इनेबल्ड एप्स की लिस्ट में अब गूगल प्ले स्टोर भी शो करने लगा। अब यहां पे अगर हम गूगल प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे गेम मोड जो है वो ऑन हो जाएगा, एंड ये गेम का एक साइड बार मिलता है। अब इसको प्ले स्टोर में भी आप यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको गेम साइड बार का फीचर मिल जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। तो अगर ये गेम साइड बार का फीचर इनेबल रहता है, तो जिस भी ऐप में या जिस भी गेम में गेम मोड इनेबल रहेगा, आपको यहाँ पे जो है ना एक साइड बार दिख रहा होगा। इस साइड बार के ऊपर टैप करके या स्वाइप करके जो है ना, गेम मोड का ये क्विक पैनल आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप परफॉर्मेंस मोड को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड गेमिंग अगर आप चाहते हैं कि जो भी इनकमिंग कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिफ्यूज हो जाए, या जो कॉल का नोटिफिकेशन है वो पॉपअप स्टाइल में या फुल स्क्रीन में शो करे, तो यहाँ पे आपको कॉल्स का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्यूज ऑल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं, कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा ना, तो डिक्लाइन होने के बाद इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो करेगा। इसके अलावा कॉल्स में यहाँ पे जो है ना पॉपअप व्यू और फुल स्क्रीन दो ऑप्शन मिलता है, बट दोनों में ही सेम तरीके से आपको इनकमिंग कॉल का नोटिफिकेशन आता है। जैसे आप पॉपअप व्यू या फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन अगर सेलेक्ट करके रखे हैं ना, तो इस तरीके से आपको इनकमिंग कॉल का नोटिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट, वाइल गेमिंग नोटिफिकेशन के लिए आपको तीन ऑप्शन मिलता है। या तो आप नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिनिमल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप मिनिमल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो नोटिफिकेशन जो है ना कुछ इस तरीके से पॉप करेगा, बिल्कुल मिनिमल फॉर्मेट में। बट अगर आप नोटिफिकेशन के लिए डिफॉल्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं, तो नोटिफिकेशन का पॉपअप जो है ना कुछ इस तरीके से बड़े पॉपअप विंडो में शो करेगा फुल मैसेज के साथ। तो मिनिमल वाला ऑप्शन आई थिंक बेटर रहेगा वाइल गेमिंग नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट, अगर आप अपने CMF Phone 1 में अडैप्टिव ब्राइटनेस का फीचर यूज करते हैं और एम्बिएंट लाइटिंग के अकॉर्डिंग अगर स्क्रीन का ब्राइटनेस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उस कंडीशन में वाइल गेमिंग जो है ना, आप ब्राइटनेस को लॉक कर सकते हैं। ब्राइटनेस सेट कर लीजिएगा और ब्राइटनेस लॉक को इनेबल कर दीजिएगा यहां से। इस ब्राइटनेस लॉक को इनेबल कर देने से गेमिंग के दौरान जो ब्राइटनेस लेवल है वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा ऑटोमेटिकली। एंड लास्ट, अगर आप अपने CMF Phone 1 में गेमिंग स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इस क्विक पैनल में आपको लास्ट स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करेंगे एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ से टैप करके एंड करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो आपके फोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड गेम मोड के इस क्विक पैनल में जो सेटिंग का ऑप्शन है, इससे आप गेम मोड के डिटेल्ड सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। गेम साइड बार के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। गेम क्विक पैनल सेटिंग में भी था ये ऑप्शन। अब नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक मिसटच प्रिवेंशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने CMF Phone 1 में जेस्चर नेविगेशन यूज करते हैं, तो फिर ये मिसटच प्रिवेंशन आपके लिए यूजफुल होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि फिलहाल मिसटच प्रिवेंशन जो है वो डिसेबल्ड है। एंड यहाँ पे अगर हम किसी गेमिंग एप्लीकेशन में जाते हैं, एंड अगर आपके गेमिंग स्क्रीन पे ये जेस्चर बार दिख रहा है, सिर्फ एक बार एक्सीडेंटली स्वाइप हो गया तो आपका गेम जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। बट अगर हम गेम मोड के सेटिंग में मिसटच प्रिवेंशन को इनेबल कर देते हैं, एंड फिर से अगर हम वापस गेमिंग स्क्रीन पे जाते हैं, अब यहाँ पे अगर जेस्चर बार दिख रहा है तो हमको दो बार स्वाइप करना पड़ेगा, और स्वाइप अगेन का एक पॉपअप भी आता है। आप देख सकते हैं कि एक बार स्वाइप करने पे यहाँ पे स्वाइप अगेन का पॉपअप आता है। दो बार स्वाइप करेंगे तभी गेम मिनिमाइज होता है। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे इनकमिंग कॉल इंटेलिजेंट एंटी डिस्कनेक्शन का एक फीचर मिलता है। अगर आप अपने CMF Phone 1 में मोबाइल डेटा का यूज करके गेमिंग कर रहे हैं, या वाइल गेमिंग मोबाइल डेटा इनेबल करके आप गेमिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इनकमिंग कॉल इंटेलिजेंट एंटी डिस्कनेक्शन फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो अगर ये फीचर इनेबल रहता है एंड वाइल गेमिंग, या जब आपके CMF Phone 1 में गेम मोड इनेबल है, उस दौरान कोई इनकमिंग कॉल आता है, तो नेटवर्क जो है वो अनब्लॉक्ड रहेगा
और आपका मोबाइल डेटा जो है ना वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। या फिर अगर आप अपने फ़ोन पे गेमिंग कर रहे हैं या गेम मोड इनेबल है, कोई इनकमिंग कॉल आता है पॉपअप स्टाइल में नोटिफिकेशन शो करता है, बट आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब कि आप खुद से कॉल को कट नहीं करते हैं या फिर कॉल को आंसर नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली 5 to 10 सेकंड में जो है ना कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट फिलहाल ये जो इंटेलिजेंट एंटी डिस्कनेक्शन का फीचर्स है ना, ये उतने अच्छे से CMF फोन वन में वर्क नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे गेम मोड में एडवांस फीचर सेक्शन में आपको गेम डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप गेम डैशबोर्ड को इनेबल कर सकते हैं एंड यहाँ से आप गेम डैशबोर्ड का फ्लोटिंग आइकन जो है इसको इनेबल कर सकते हैं एंड डू नॉट डिस्टर्ब फॉर गेम का भी ऑप्शन मिलता है, इसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप गेम डैशबोर्ड में गेम डैशबोर्ड के इस फ्लोटिंग आइकन को इनेबल कर देते हैं और उसके बाद अगर आप किसी भी गेम को लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरो शो कर रहा है। इस एरो के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो ये गेम डैशबोर्ड का फ्लोटिंग आइकन आपको इस तरीके से शो करेगा एंड गेम डैशबोर्ड के इस फ्लोटिंग आइकन को आप अपने गेमिंग स्क्रीन के दोनों साइड के एजेस में कहीं पे भी इस तरीके से ड्रैग करके रख सकते हैं। एंड अगर आप इस गेम डैशबोर्ड के आइकन के ऊपर इस तरीके से स्वाइप करते हैं ना, तो ये एज में इस तरीके से हाइड हो जाता है। फिर से इसके ऊपर टैप करके आप इस तरीके से इसको इनेबल कर सकते हैं एंड स्वाइप करके इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरो पे टैप करते हैं, गेम डैशबोर्ड का आइकन आ गया। अब गेम डैशबोर्ड के आइकन के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो गेम डैशबोर्ड में आपको कुछ फीचर्स मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गेम डैशबोर्ड के आइकन के नीचे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी ऐड हो गया। एंड इस गेम डैशबोर्ड में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है जो कि फिलहाल इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर इस गेम डैशबोर्ड के थ्रू ही जो है ना आप यूट्यूब पे अपने गेम प्ले को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। गेम डैशबोर्ड के आइकन के इस पैनल में अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी ऐड करना है तो यहाँ से आप इसके ऊपर टैप करेंगे एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से लाइव FPS मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी आप यहां से टैप करके ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे अब आप देख सकते हैं कि लाइव FPS जो है वो शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहां से आप डू नॉट डिस्टर्ब जो है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं चाहिए तो यहां से आप टैप करके इन दोनों ऑप्शंस को डिसेबल कर सकते हैं। सिर्फ आप FPS मॉनिटरिंग इस तरीके से कर सकते हैं ड्यूरिंग गेम प्ले। डिफरेंट गेम्स में आपको गेम डैशबोर्ड में डिफरेंट ऑप्शन मिलता है, जैसे यहां पे BGMI में ऑप्टिमाइजेशन, अचीवमेंट, लीडर बोर्ड और YouTube लाइव का ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे वर्किंग नहीं है, सिर्फ YouTube लाइव का ऑप्शन ही वर्किंग है। बट स्क्रीनशॉट का ऑप्शन ऐड करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऐड करना है या डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल करना है, ये सब फीचर्स जो है ना ये आप किसी भी गेम में इनेबल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्रॉस पे टैप करके आप गेम डैशबोर्ड से एग्जिट कर सकते हैं। लाइव FPS मॉनिटरिंग को अगर आपको कुछ देर के लिए मिनिमाइज करना है तो आप इस तरीके से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं एज पे। सो फ्रेंड्स, यही था CMF फोन वन में गेम मोड एंड उससे रिलेटेड फीचर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। CMF फोन वन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। CMF फोन वन के रिगार्डिंग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसमें आपको इस फोन से रिलेटेड काफी सारा वीडियोस मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप टैप करके देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।